गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज मैं आपकी हिंदी व्याकरण से जो आपको टॉपिक जो शीर्षक करवा रही हूँ उसका नाम है विराम चिन्ह। नाम से ही आपको पता चल रहा है विराम यानी कि रुकना या ठहरना। अतः जब हम वाक्य या शब्द बोलते हैं और उनमें आराम के लिए थोड़ा सा विराम लेते हैं, रुक के जो बोलते हैं वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। वाक्य बोलते या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब भी आप सुबह से लेकर रात तक जितने भी वाक्य बोलते हैं तो नॉन स्टॉप नहीं बोलते ना, थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं। अगर नॉन स्टॉप बोलते हैं तो घर वाले या कोई भी आपको रोक देता है कि रुक जा, शांति से बोल, फिर हमें समझ आएगा। तो यानी कि वाक्यों को एक तरीके से बोलने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। ये होते कितने हैं देखिए, पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा विस्मयादि बोधक चिन्ह, पांचवा अर्धविराम, छठा योजक चिन्ह, सातवा उद्धरण चिन्ह और आठवा लाघव चिन्ह। अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है उस पे ध्यान देंगे, जो थर्ड और फोर्थ वाले बच्चे हैं वो सिर्फ पहले चार विराम चिन्ह को देखें, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक, क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा ये अभी चार ही आए हैं। वैसे इनका भी प्रयोग बहुत बार आपने देखा है, आपकी बुक में भी है, ये समझोगे तो और अच्छी बात है, पर ये चार आपको बहुत अच्छे से करने, ये आपका सिलेबस है और फिफ्थ वाले बच्चों का तो चैप्टर ही पूरा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सबसे पहले विराम चिन्ह, ये तो आपने केजी क्लास से ही सीख लिया था कि पूरा वाक्य बोलते हैं और लास्ट में लगता है, तो इसका चिन्ह कैसा होता है, सीधी लाइन होती है, उसके बाद वाक्य के अंत में आता है। पूरा वाक्य जब आपका खत्म होगा तो विराम चिन्ह आएगा। उदाहरण है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये लगा दिया मैंने विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम। उसके बाद है अल्प विराम। अल्प नाम से ही पता चला, अल्प यानी छोटा सा, यानी थोड़ा सा रुकने के लिए, बिल्कुल जरा सा रुकने के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं, जिसका चिन्ह होता है ये कोमा। ठीक है, शब्दों को अलग करने के लिए जब हम एक के साथ कई अलग अलग शब्द बोलते हैं, जैसे हम वाक्यों में नाम बोलते हैं, मोहन, रवि, रानी और रेखा सभी खेल रहे हैं, तो देखो ये मैंने अल्प विराम लगाए हैं। देखे आपने, यानी कि जब एक ही वाक्य में बहुत सारे नाम बोलने हो, जैसे मेज, कुर्सी, शीशा, टेबल, ये सारे मेरे कमरे से बाहर ले जाओ, ठीक है, तो आपने जो शब्द है उनको अलग कर दिया है। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपने बिल्कुल केजी क्लास से सीखा है कि प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जो विराम चिन्ह लगता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। घर में कौन है, तो मैंने ये लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब हम आश्चर्य करते हैं किसी चीज का, भय, घृणा, शोक, आश्चर्य, दुख, प्रेम, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी सरप्राइज्ड हो जाते हैं, और हमारे मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो विस्मयादि बोधक है, उसके पीछे क्या लगेगा, ऐसे पूर्ण विराम और नीचे बिंदी। अगर नीचे बिंदी नहीं लगाते हैं तो फिर ये पूर्ण विराम ही रह जाएगा, ये बिंदी लगानी काफी जरूरी है। तो उसका है, वाह कितना सुंदर घर है, मतलब आप जा रहे हो गली में से और घर तो सबके नॉर्मल है लेकिन एक बहुत ही सुंदर घर है, तो तुम अचानक से कहते हो वाह कितना सुंदर घर है, वाह इंग्लिश में भी बोलते हो ना, और कहीं गंदे भी बड़े, छी छी कितना गंदा है ना, और हाय कलश आप आ गया, ऐसे बोलते हो ना, तो यानी पहला शब्द जो मुंह से निकलता है ना वो है, तो ये मैंने लगा दिया विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसके बाद आ जाओ अर्ध विराम पे, तो हम दो स्टेप पीछे चलते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम क्या था, कोमा था, और अर्ध विराम क्या है, कोमे के ऊपर बिंदी। अगर मान लो जो कोमा है उसके ऊपर बिंदी लग गई तो वो अर्ध विराम बन गया, यानी कि शब्द से कुछ ज्यादा मिलेगा। अगर अल्प विराम में ऊपर बिंदी नहीं है तो शब्द मिलेंगे छोटे छोटे, लेकिन अगर एक बिंदी और अटैच हो जाती है दैट मीन्स कि इसमें शब्द से कुछ ज्यादा मिलेगा। तो ये चीजें शॉर्टकट है इसे याद रखने के लिए, तो उनको क्या करते हैं हम, वाक्यों को अलग करने के लिए, यहां हमने शब्द अलग किए थे, यहां हम लगातार जब कई वाक्य एक दूसरे से अटैच करते हैं ना तो और ना लगा के हम ये अर्ध विराम लगा देते हैं। जैसे पहले अंश आया तो मैंने अर्ध विराम लगा दिया, फिर रेखा आई तो मैंने अर्ध विराम लगा दिया, अनिल आया और खेलने लगे, ये और एक ही बार प्रयोग हुआ ना, क्योंकि अर्ध विराम हमारे लग गए। अगर अर्ध विराम का प्रयोग नहीं होता तो बार बार और लगाती और वो वाक्य अटपटा सा लगता, सुंदर भी नहीं लगता बोलने में। उसके बाद है योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह भी आपने बचपन से पढ़ा है, शब्द युगम यानी कि शब्दों का जोड़ा,
और तुलना के लिए यानी कि कंपैरिजन के लिए, जो आप एक दूसरे से कंपेयर करते हो, वो सुंदर है मैं इतना सुंदर नहीं हूं, वो पढ़ा लिखा है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मैं जीनियस हूं, है ना, किस चीज में, शैतानियों में, ठीक है। उसके बाद है सुख दुख, देखो आ गया यहां आ रहा है ना ये निशान, उसके बाद है आजकल ये रहा निशान, फिर है मोटा सा ये रहा निशान, और अलग अलग ये रहा निशान, यानी दो शब्दों की या तो तुलना की है मैंने, मोटा सा तुलना मतलब वो तो पतला है पर ये मोटा सा है, दो शब्द एक जैसे हैं, शब्द युगम है तो भी लगा दिया, आजकल दुख सुख और कंपेयर कर रहे यानी कि विलोम शब्दों के बीच में हमेशा योजक चिन्ह आता है। उसके बाद में है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह वे होते हैं बेटा जो दो प्रकार के होते हैं, जो शब्दों और वाक्यों को हाईलाइट करने के लिए बोले जाते हैं, यानी कि कही गई बात या नाम को उभारना, यानी कि जब हम किसी के नाम को हाईलाइट करना चाहें या किसी के कही गई बात को युग का युग दिखाना चाहें तो वहां उद्धरण चिन्ह लगते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक इकरा उद्धरण चिन्ह, एक दुहेरा। अब इकरा में क्या होता है, एक उद्धरण चिन्ह होता है एक इधर और एक इधर, दुहेरा में दो होते हैं दो इधर और दो इधर, लेकिन इनका आपको अंतर कैसे पता चलेगा, देखो अगर हम किसी किताब का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी इमारत का नाम हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम उसको ही केरा उद्धरण चिन्ह में डाल देते हैं। देखो ये रहे हैं दोनों, लेकिन एक शब्द लिया है मैंने आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम, और यहाँ पर दुहेरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगेगा, महात्मा गांधी जी ने कहा तो उन्होंने क्या कहा वो बात यूं की यूं हमने दिखानी है, बदलनी नहीं है, तो हमने ये डाल दिया देखो दुहेरा उद्धरण चिन्ह में, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो किसी की कही गई बात जरूरी नहीं महात्मा गांधी जी की डालोगे, जिसने जो भी कुछ, मम्मी ने आज सुबह कहा, कोमा लगा के डबल यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह में डालोगे, मम्मी ने सुबह कहा चुपचाप काम कर लो वरना तुम्हें पिटाई खानी पड़ेगी, तो यूं की यूं इस लाइन को लिखोगे तो उद्धरण चिन्ह में डाल दोगे, तो किसी की भी कही हुई बात को ऐसे ही लिखोगे आप। लास्ट है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह होता है देखो इस टाइप से होता है, एक गोल जीरो जो होती है, जीरो या ओ जो आप इंग्लिश का लिखते हो छोटे से साइज में, इसका मतलब क्या होता है, संक्षेपण। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब हम किसी काफी बड़ी बात को छोटे से रूप में समझाते हैं तो वो संक्षेप में आ जाता है, इन शॉर्ट जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, काफी बड़ी कहानी ना गढ़ के छोटी सी बात कह दो तो वो संक्षेपक हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि बड़ी को छोटा करने के लिए यानी कि शॉर्ट फॉर्म, सो बातों की एक बात है, आप जो शॉर्ट फॉर्म बोलते हो ना वो हिंदी में क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह, ठीक है। तो देखो डॉक्टर को आप कैसे लिखते हो, डॉक्टर ये लगा दिया लाघव चिन्ह। प्रश्न को आप अपनी कॉपियों में ऐसे भी लिख देते हो, हम गलत नहीं करते ना, प्राइवेट लिमिटेड को प्राई और लिमिटेड, देखो ये रे उद्धरण लाघव चिन्ह, ठीक है। तो आज की कक्षा में मैंने आपको बताया कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, रुकना और ठहरना, और वो कितने प्रकार के होते हैं, एक बार दोबारा बता देती हूँ, पहले चार थर्ड फोर्थ के बच्चों के लिए है, बाकी पूरा चैप्टर फिफ्थ के लिए है। वैसे मैं चाहती हूँ कि थर्ड और फोर्थ के बच्चे भी इस चैप्टर को काफी अच्छे से समझे और इसका अभ्यास भी करें। ओके बेटा, थैंक यू।